पर आपको बता दें, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बाइक रैली का आयोजन किया गया हाथों में तिरंगा लेकर, लेकिन विपक्षी सांसदों के न आने पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। क्या तिरंगा किसी पार्टी का है, ये कहना है शहजाद पूनावाला का। राष्ट्रपति से लेकर तिरंगा एक ऐसा तिरंगा तक, ये तिरंगा रैली यहां पर निकाली जा रही है और ऐसा अपमान यहां पर किया जा रहा है, ये शहजाद पूनावाला सवाल यहां पर उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति का भी अपमान यहां पर किया गया और उसके बाद अब तिरंगा, तो क्या ये सही है? इस तरह के सवाल यहां पर शहजाद पूनावाला की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो आपको बता दें, इस बाइक रैली में जिसमें हाथों में तिरंगा लिए आपको घर के साथ निकलना था, लेकिन उसमें एक भी विपक्ष का सांसद शामिल नहीं हुआ। इसमें भाग लेने के लिए कोई भी विपक्ष के नेता इसमें आपको नजर नहीं आएंगे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान करते हैं विपक्ष के नेता और अब तिरंगा का भी अपमान कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों के न आने पर बीजेपी का यह हमला, क्या तिरंगा किसी पार्टी का है, ये तो देश का तिरंगा है। तो पूरे देश भर में ज्यादातर लोग आप देख रहे होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस वक्त डीपी पर तिरंगा लगाया गया है, घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और यहां पर एक रैली निकाली जा रही थी दिल्ली में लाल किले से संसद तक, कई सांसद वहां पर शामिल हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जो सरकार है उनके। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, विपक्ष के सांसद शामिल नहीं हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुख की बात है कि संसद, सेना, राष्ट्रपति और तिरंगे का अपमान बन गई है विपक्ष के कुछ नेताओं की पहचान। ये तिरंगा किसी पार्टी का झंडा तो नहीं है, ये देश का स्वाभिमान है, ये देश के लिए गर्व का विषय है। और जब एक कार्यक्रम हर घर तिरंगा के तहत, ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक रैली निकाली जाती है, सारे सांसदों को न्योता दिया गया, मुझे याद है प्रहलाद जोशी वगैरह ने ये बात रखी थी, तो आज कई सारे विपक्ष के सांसद आज आए क्यों नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या तिरंगा केवल एक पार्टी का है, या आप एक व्यक्ति से इतनी नफरत करते हो कि देश के तमाम जो सम्मान के केंद्र है उसका बार बार अपमान करने पर तुले हो? आपको याद होगा राष्ट्रपति के विषय में अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला है, अब वो बात अभी हुई थी, तो अब तिरंगे का भी अपमान। मैं पूछना चाहूंगा आपके मन से, आपके ही मीडिया वाले वहां पे थे, उन्होंने बताया कि ना कांग्रेस का कोई आया, ना टीएमसी का, ना आपका, ना एसपी का। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 13 से 15 अगस्त क्या वो अपने घर के बाहर तिरंगा भी नहीं लगाएंगे? क्या वो अपनी डिस्प्ले पिक में तिरंगा भी नहीं लगाएंगे? ऐसी क्या नफरत है भाई? मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी नफरत है उन्हें एक पार्टी से या एक व्यक्ति से, कि देश के सम्मान केंद्र और सम्मान के जो चिन्ह है उसको ही नकारने का काम आज किया जा रहा है। राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा है, सेना को सड़क का गुंडा कहा जा रहा है, कभी संसद को इस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन पर सवाल, और आज शहजाद, क्या आपको लगता है कि ये इसीलिए हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा गहरी हो गई है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने केवल परिवार तंत्र को अपना डर मान लिया है, लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है, और इसीलिए लोकतंत्र का अपमान करना, लोकतंत्र की संस्थाओं का अपमान करना, विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना, परंतु परिवार तंत्र में इनका विश्वास अडिग है, और जो परिवार तंत्र के झंडे को बुलंद करना चाहते हैं वो तिरंगे से शायद परहेज करते हैं। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम से भारत से बात करने के लिए।